अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। न्यू पाकिस्तान में आपकी मेज़बान नबीहा एजाज। ये वीडियो देखकर मुझे याद आ रहा है, या मैं सोच रही हूँ, जो हमने हमेशा से पढ़ा है किताबों में या जो हिस्ट्री हमने देखी, कि जब हम भी सोशल स्टडीज़ का चैप्टर ओपन करते तो हमेशा जब भी हम पाकिस्तान और इंडिया जब सेपरेट हुआ और किस बुनियाद पर सेपरेट हुआ, ताकि क्योंकि हमारा कल्चर डिफरेंट कल्चर है, हमारा जो रिलीजन है वो डिफरेंट रिलीजन है, और हम उसको एक खित्ते में या एक कंट्री में रहते हुए ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर सकते, और ये सारी ज़रूरतों के पेश नज़र पाकिस्तान को एक अलग और आज़ाद मुमलिकत बनना है, इसलिए ये डिवीज़न हो गई जो कि बहुत हेल्दी हुई, और इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ताकि हम हमारा जो कल्चर है या जो हमारा मज़हब है या जो हमारा दिन त्यौहार है, हम उसको आज़ादी के साथ सेलिब्रेट कर सकें, अपनी जो हमारी रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं उस पर हमें किसी किस्म की कोई पाबंदी ना हो। तो पाकिस्तान की आज़ादी बेसिकली जो हुई वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और जितने हकूक़ मैं समझती हूँ या जितनी मैंने भी थोड़ी बहुत अपनी स्टडी की है, मैं ये समझती हूँ कि इस्लाम ने जितने औरत को हकूक़ दिए हैं, शायद ही किसी रिलीजन ने इतने हकूक़ ख़वातीन को दिए। अगर आप, आई एम श्योर कि अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि ख़वातीन के साथ किस तरह का पहले सलूक हुआ करता था, कैसे उनको टिश्यू पेपर की तरह यूज़ किया जाता था, लेकिन इस्लाम ने औरत को वो मर्तबा, वो मकाम, वो इज्जत बख्शी जिसकी वो हकदार है। और लेकिन अभी गुज़श्ता 3 सालों से, एंड दिस इज़ द 4th ईयर, हम इस्लाम के नाम पर बनी जो रियासत है या जो मुल्क है, यहाँ पर एक ट्रेंड देख रहे हैं जिसको औरत मार्च का नाम दिया जाता है, और एवरी ईयर ये जो औरत मार्च है एक नया रंग इख्तियार कर जाता है, यह हर साल बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाता है। क्यों कंट्रोवर्शियल हो जाता है? ये वही मुल्क है, ये वही इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जहाँ पर इस्लाम ने औरत को इतने राइट्स दिए हैं, और ये भी वही मुल्क है जहाँ पर औरत पर तशद्दुद भी किया जाता है, ये भी वही मुल्क है जहाँ पर औरत को अपने हक के लिए सड़क पर निकलना पड़ रहा है। क्या ऐसा हो गया, ऐसी कौन सी ज़रूरत पेश आ गई कि इस तरह से औरत को आज़ादी मांगना पड़ रही है? और फिर उस पर बहुत सारे मुख्तलिफ आरा हैं, कोई इसके हक़ में है, कोई इसके हक़ में नहीं है। आज ज़रा बात करेंगे, क्योंकि सीज़न में तो कहूँगी कि अब आ चुका है, और औरत मार्च को अब कहा जा रहा है कि ये औरत धरना होगा, हमारे 15 मुतालबा जब तक पूरे नहीं होंगे ये धरना जारी रहेगा। पहले ये औरत मार्च था, लेकिन अब थोड़ी सी कन्फ्यूजन हमें आ रही है कि औरत धरना होने जा रहा है, लेकिन होने क्या जा रहा है, इस पर बात करेंगे। जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनका मैं तारुफ आपसे करवाती चलूँ। हमारी आज की जो फर्स्ट गेस्ट हैं साशा जावेद मलिक, शी इज़ अ सोशल वर्कर एंड ये औरत मार्च की रुकन भी हैं, उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं। जहां आरा साहिबा, शी इज़ अ डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट एंड अ सोशल वर्कर, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं। हमारे आज के तीसरे मेहमान डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी, ही इज़ अ टीचर, सोशल वर्कर एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर, उनके साथ हमारे आज के जो आखिरी मेहमान हैं, ही इज़ अ रिलीजियस स्कॉलर, मौलाना हफीज़ुल्ला बलोच साहब। लेकिन सबसे पहले साशा, मैं आपसे बात करना चाहूंगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पाकिस्तान में हमारी जो ख्वातीन है, एक जो पॉपुलेशन है, 52% जो है वो ख्वातीन का है, लेकिन ऐसा क्या हुआ है गुज़श्ता कुछ चंद सालों में कि ख़वातीन को अपने राइट्स के लिए जो है वो रूट्स पर आना पड़ रहा है और ये मार्च करने की ज़रूरत पेश आ सकती है? विद अवेयर ऑफ द फैक्ट, हम सब जानते हैं कि यहाँ पर जो जो मामलात होते हैं, लेकिन क्या ज़रूरत पेश आई औरत मार्च की और इस तरीके का मार्च? नबिया, आप इस बात से बहुत वाकिफ़ होंगी कि एवरी एक्शन हैज़ रिएक्शन। आप भी देखती होंगी कि अगर ये चीज़ अगर हम देख रहे हैं तो ये हमें ये सोचना चाहिए कि जी माशरे की बेहतरी किस तरह हो रही है, कि लोगों में इतनी अवेयरनेस होना शुरू हो गई है कि उनको अपने राइट्स में बोलने के लिए उनको मालूम पता चल गया कि क्या हमारे हकूक़ हैं और कहाँ कहाँ हम लोग
क्या क्या यूज कर सकते हैं और कहाँ कहाँ हम आवाज उठा सकते हैं. ठीक है, अब ये छोटे छोटे पहलुओं पर तो बहुत अरसे से चलता आ रहा है. ये आपको पता है कि पार्टीशन के बाद से जो ये लड़ाई चली हुई है वो कभी रुकी नहीं है अब तक, 70 साल के बाद तक भी. और उस दौरान भी औरतों के साथ क्या क्या सलूक हुआ ये आपको भी बेहतर पता होगा. ये बाकी जहां तक हम लोग बहुत ही बेसिक डिस्कशन पे आ जाए, तो मैंने भी आपके एक शो में मैंने बात सुनी थी, आपने कहा था कि जी जो बेसिकली समाज का असल यूनिट वो माँ होती है और माँ ही तफड़ुकात पैदा करना शुरू कर देती है कि मैंने किस बेटे को बोटी ज्यादा देनी है, किस बेटी को दही का चम्मच कम देना है. ठीक है, अब बेसिक यूनिट माँ का कहाँ से स्टार्ट होता है, वो जो आपकी इकोनॉमी से स्टार्ट होता है. आपकी इकोनॉमी पे तमाम चीजें डिपेंड कर रही होती हैं और माँ को इस चीज के लिए किसने ट्रेन किया, माँ को भी उसके लिए किसी माँ ने ट्रेन किया. जैसे आपको भी पता है क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो वो एक एक्शन से वो चलती आती हैं चीजें. अब 1910 में फर्स्ट टाइम न्यूयॉर्क में ये एक छोटा सा मार्च मुनक्कद हुआ जो खवातीन ने किया. वो मिल मजदूर इंडस्ट्री की खवातीन थी जिनको तनख्वाह. सो बेसिकली ये अमेरिका या यूरोप आपने बताया? न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका में हुआ, वहां पे किया गया और हमने वहां से ये आइडिया जनरेट नहीं हुआ. आप ये कह लें कि वो वहां पे भी मकसद वही था कि जी हमें इक्वल सैलरी नहीं दी जाती थी. ठीक है, उधर से ये तमाम चीजें उधर से स्टार्ट हुआ, छोटे मोटे पहलुओं पे होता था. अब आकर आहिस्ता आहिस्ता ये कह लें कि इसने आवाज उठानी शुरू की. आप कह लें कि कतरे से कतरा दरिया बनता है, तो ये आप कह लें कि कतरा बहुत देर से पैदा हो रहे थे, ये अब आके इसने दरिया की शक्ल अख्तियार की है. और मेरे ख्याल से अब लोगों को वाकई अवेयरनेस होना शुरू हुई है. एजेंडा क्या है, बेसिक जो प्रॉब्लम है, जो राइट्स की बात है वो क्या है कि माँ बेटे को बोटी अच्छी देती है, बेटी को नहीं देती, ये एजेंडा है? एजेंडा नहीं है, ये सोच है. ये मैं आपको पैदा ये बता रही हूँ, एजेंडा ये नहीं है. एजेंडा ये है कि जी हर आपके 31% खवातीन जो हैं वो 18 साल की कम उम्र में उनकी शादी कर दी जाती है. 18 साल ऐसी उम्र है जब आपका शनाख्ती कार्ड भी नहीं बनता, जब आपका ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं बनता, पर 31% बच्चियों की शादी कर दी जाती है. हमारा जीजीजी है जो कि आप कह लें जेंडर गैप, जो ग्लोबल जेंडर गैप की जो इकोनॉमिक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिपोर्ट दी है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान इस चीज में आप कह लें कि वो 151 पे है, 153 कंट्रीज में से 151st कि पाकिस्तान आखिरी बदतरीन तीन ममालिक में शामिल होता है जहां पे सबसे ज्यादा इस चीज में गफलत और सबसे ज्यादा जिनसे ज्यादती का निशाना बनाई जाती है वो खवातीन है. अच्छा, वैसे इससे पहले अगर एक जनरेशन की बात की जाए वो तो बड़ा मतलब कि उन्होंने कभी इस तरह की कोई शिकायत नहीं की. हमारी अगर माओं से पूछा जाए, हमारी अगर जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने कभी किसी की तरह का मार्च नहीं किया या कभी उनको तो हर तरह की वो मतलब कि यू नो मुतमईन है अपनी लाइफ से या उनको कभी इस चीजों का एहसास नहीं हुआ. अभी आज की जो हमारी जनरेशन है वो किस तरह के जो राइट्स है वो मांग रही है. देखें यही तो चीज आती है, माएँ हम लोगों को आदत ही हमारी माओं को डाल दी जाती है कि जी तुम लोगों ने सिर्फ अपने आप को इंसान तो कंसीडर करना नहीं है. हमारी आदि से बच्चियों से पूछेंगे ना तो वहाँ पे आपको ज्यादातर बच्चियाँ ये कहेंगी कि जी हम लड़की हैं, उनको ये कभी कंसीडर ही नहीं करेंगे कि हम इंसान भी हैं. तो आप यहाँ पे ये अंदाजे लगाएं कि जी हमारा जहाँ पे रेशियो खवातीन की स्टडी की ये थी कि 19,14,000 बच्चियाँ स्कूल नहीं जाती थी, अगर आज बच्चियों में लड़कियों में इतनी अवेयरनेस आना शुरू हो गई है, अपने आप को इंसान समझना शुरू हो गई है और अगर एक दिन के लिए वो एक सेलिब्रेशन कह लें निकल जाती है. एवरी ईयर क्यों कॉन्ट्रोवर्शियल होते हैं? एवरी ईयर ये कॉन्ट्रोवर्शियल इसलिए होता है, बाकी कोई और जो है धरना कोई और मार्च इतना कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों नहीं होता? इस तरह के प्ले कार्ड्स भी हमने देखे हैं जो बहुत पॉपुलर हुए ऑन सोशल मीडिया ऑन न्यूज मीडिया. तो ये अगर अब आप औरत मार्च की बात करें, वैसे ही यू नो इट्स अ सेंसिटिव टॉपिक फॉर आवर सोसाइटी, हमारे माशरे के लिए वैसे ही हजम नहीं हो रहा कि औरतें जींस पहने आ गई हैं लिबर्टी चौक और अब अपना हक मांगेंगी, तो वो मर्दों को डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा. क्यों मुझे और अगर आप कॉन्ट्रोवर्शियल स्लोगन्स ले आएंगे तो आपको ये नहीं लगता कि आप खुद ही अपनी मार्च की रूह खराब कर देंगे? नहीं नहीं, देखें कुछ चंद कंट्रोवर्शियल स्लोगन्स पर हम पूरा मार्च डिफाइन नहीं कर सकते, हम उसका पूरा मकसद उसकी पूरी आइडियोलॉजी डिफाइन नहीं कर सकते चंद स्लोगन्स के ऊपर. हमें पता होना चाहिए कि जो खवातीन आती हैं वो किसी मकसद के तहत आती हैं, कोई वर्क थ्रू करके आती हैं और पूरी एक स्ट्रगल के थ्रू आती हैं. ठीक है, आप कह लें कि इस अगर मार्च की तैयारी नवंबर से शुरू हो गई है तो वो लोगों को किस तरह एजुकेट करके आती है. ठीक है, आरिफ सिद्दीकी साहब बात उन्होंने बोली कि कोई चंद स्लोगन्स जो हैं वो हमारा मार्च की रूह खराब कर रहे हैं तो डजंट मैटर, हम सोच तब्दील करना चाहते हैं और सोच का जिक्र उन्होंने बड़ा क्लियर सोच जिस तरफ लेके जाना चाहते हैं. अच्छा, मर्दों को क्यों तकलीफ है औरत जी, मैं बताता हूं. मर्दों को इसलिए तकलीफ है कि औरत मेरी बीवी है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है, मेरी माँ है, उसकी तौकीर पर हमला होगा तो मुझे तकलीफ होगी. मैं इन्हें बताना चाहता हूँ कि जिस आजादी निस्वा की बात करती है वो कैद निस्वा है, वो इज्जत निस्वा नहीं जिल्लत निस्वा है, वो इफ्फत निस्वा नहीं नंगे निस्वा है, वो कमाल निस्वा नहीं जवाल निस्वा है, जमाले निस्वा नहीं
तबाही ये निस्वा है और हयात निस्वा नहीं मरगे निस्वा है, हमें इसलिए तकलीफ होती है। जहां आपने बात की स्लोगन्स की, सारे स्लोगन निकाल लें, एक आयत वाला स्लोगन भी निकाल के दिखा दे मुझे कोई। स्लोगन्स तैयार हुए थे, सोचना होगा कि स्लोगन्स कहां तैयार हुए, ऑर्गेनाइजर्स कौन थे, एजेंडा कौन था, फंडिंग कहां से हुई, जब तैयारी हुई इस्लामाबाद में ट्रेनिंग सेशन में रखे हुए, तो उसमें कोई एक एक प्ले कार्ड ऐसा हो जिसपे कोई आयत लिखी हो, सूरत निसा की कोई आयत लिखी हो, कोई एक हदीस, कोई एक एक प्ले कार्ड तो होना चाहिए ना। अगर एक प्ले कार्ड भी नहीं था तो इसका मतलब है कि दैट वॉज प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी। फिर मस्जिद के तकद्दस को, कारी साहब को निशाना बनाया गया, चर्च और मंदिर का जिक्र क्यों नहीं किया गया? वजह यह है कि आपका टारगेट औरत मार्च का टारगेट मजहब है, इस्लाम है। एक सेकंड, आपका टारगेट या उनका टारगेट? आपसे मुराद औरत मार्च वालों का टारगेट, नॉट फॉर यू, नॉट फॉर यू। तो वो टारगेट कुछ और है। अच्छा, अब देखना ये नहीं है कि औरत मेरा मेरा मुराद ये थी कि आप इसको ये समझ रहे हैं कि आपसे मुराद मैंने खुद पे नहीं लिया, ये औरत औरत मुराद कि या बाहर का एजेंडा आपको लग रहा है, क्योंकि मैंने बात की कि ये रू न्यूयॉर्क से आई। मैं आगे बताता हूं ना आपको, मैं तफसील बताता हूं, वो तफसील जो शायद इन्होंने भी ना पढ़ी हो। उसकी वजह है वो कहते हैं शतरंज के खेल की बात करते हैं, वो कहते हैं कि बेचारा प्यादा तो है एक मोहरा नाचीज, खुद फर्जी की निगाहों से भी पोशीदा है शातिर का इरादा, किसी को पता भी नहीं होता कि हो क्या रहा है मेरे साथ, इसके स्पॉन्सर्स कौन है, एजेंडा क्या है, ट्रेनिंग कहां से हुई, स्लोगन्स कहां से बने, पोस्टर डिजाइनिंग कहां पे हुई। ये सब जानने के लिए दो बातों को ध्यान में रखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल कौन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का विजन 2020 क्या है, उसके तीन बुनियादी निकात है मैडम। नंबर एक, इसकाते हमल, इसे कानूनी तहफुज दिया जाए और इसे प्रमोट किया जाए। नंबर दो, हम जिस परस्ती को कानूनी तहफुज दिया जाए। नंबर तीन, जिन ममालिक में सजाए मौत है उस सजाए मौत को खत्म करवाया जाए। अच्छा, अब हम इसकी पहले दो शिकों को ले लेते हैं जिसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। इसके लिए यूएनओ के इदारों के जरिए, जैली इदारों के जरिए दबाव लगाया जाता है, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ की शरायत में भी ऐसी बातें शामिल होती हैं जो डीपॉपुलेशन की तरफ चीजों को लेके जाएं। यूएनओ का अपना एजेंडा, जो मुझे यकीन है कि औरत मार्च के किसी भी ऑर्गेनाइजर ने नहीं पढ़ा होगा, जिसका नाम है एजेंडा 2030, जिसमें वो क्लियर कट लिखते हैं कि दुनिया की आबादी को 2030 तक कम तरीन सतह पर लेकर आना है। उसके लिए क्या होगा, डीपॉपुलेशन कैसे होगी? इन्होंने कहा 18 साल की उम्र में शादी कर देते हैं, मैंने आपकी बात पूरी सुनी थी, अच्छा 18 साल की उम्र में वो कहते हैं शादी कर देते हैं। बड़ा तकलीफ है यूरोप को इसकी, क्यों तकलीफ है? जिस लड़की की शादी 18 साल की उम्र में होगी वो 30 साल की उम्र तक 4-5 बेबीज करके उन्हें एस्टेब्लिश कर चुकी होगी। जब शादी 30 साल की उम्र में होगी तो कितने बेबी होंगे, कब वो सेट होगी, क्या होगा? अच्छा, ये सारा के सारा उसी लिए है, बच्चे दो ही अच्छे, बात स्लोगन है इन लोगों का, क्या स्लोगन है मुझे बताइए, हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं अगर बच्चे दो ही होते तो क्या मैं और आप होते, मुझे नहीं पता, मैं तो ना होता। बहरहाल ये सारा कुछ जिस तरफ लेके जा रहे हैं सोसाइटी को, जिस मुनज्जम अंदाज में लेके जा रहे हैं, जो स्लोगन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, रिश्तों की तौकीर खत्म की जा रही है, मोहब्बत खत्म की जा रही है, दीन से नफरत पैदा की जा रही है, उसमें कारी साहब का नाम लिया जा रहा है, उसमें मस्जिद का नाम लिया जा रहा है, नऊज़ुबिल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज का नाम लिया जा रहा है। पर बात करेंगे, एक छोटी ब्रेक पर जा रहे हैं, लेकिन इस पर भी बात करना जरूरी है कि डॉक्टर साहब थोड़ा सा गुस्सा में आ गए, थोड़ा सा गर्म मिजाज हो गए, लेकिन जब वही जब जब औरतों 5 साल की बच्ची का जब रेप किया जाता है, या उसको जब कूड़े में फेंक दिया जाता है, या जब कोई मुल्ला या कारी जो है वो किसी बच्चे के साथ जो है वो ज्यादती करता है, उसकी वीडियो वायरल हो जाती है, या जब जैनब के कातिल को सजा नहीं मिल पाती है, तो तब हमारा जो लॉ या जस्टिस या हमारी सोसाइटी के जो मर्द है या जो औरतें या जो भी है, क्योंकि मैं तो किसी खास साइड पे अभी नहीं हूं, वो तब क्यों उनको इतना गुस्सा नहीं आता, वो तब क्यों इतना तैश में नहीं आते हैं जब जैनब के साथ ज्यादती होती है, या जैनब जैसी औरों के साथ इतनी ज्यादती होती है? तो शायद इसके ऊपर भी बात करना जरूरी है। बलोच साहब मौजूद हैं, जहाना साहिबा मौजूद हैं, बहुत सारी गुफ्तगु होगी, बातें होंगी इसी प्रोग्राम में। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं और गुफ्तगू चल रही है। औरत मार्च का जो एजेंडा है, जो औरत मार्च की जो रूह है, उस पर आज हमारे गेस्ट जो है वो गुफ्तगू कर रही है। बलोच साहब को मैं शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगी, और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि अभी औरत मार्च, जब औरत अपने हकूक के लिए बात कर रही है, दो कि इसमें कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल सर स्लोगन्स भी हैं, कुछ नारे भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन इतना गुस्सा, इतना तैश तब क्यों नहीं आता जब किसी बच्ची का रेप होता है, तो उसको जब इंसाफ नहीं मिलता या उसका जो मुलजिम है वो बरी हो जाता है? अगर चंद औरतें, एक ग्रुप अगर अपने हकूक की बात कर रहा है, तो वहां पे हमें टॉलरेंस क्यों नहीं आ रही है उसको देखकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। देखिए, बात यह है कि जो सच्ची बात है वो बिल्कुल माननी चाहिए औरतों के हकूक के हवाले से।
औरतों के तमाम हकूक पाकिस्तान के आइन में मौजूद हैं, अगर उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा तो उस पर अमल दरामद की कोशिश करनी चाहिए। और बात यह नहीं है कि औरत के हकूक ना दिए जाएं, क्यों ना दिए जाएं, औरत मेरी माँ है, मेरे लिए तो उसका यह हक है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया मन अबर अल्लाह के रसूल किसके साथ उसने सलूक ज्यादा किया जाए, तो आपने फरमाया माँ के साथ, फिर सवाल किया गया कहा माँ के साथ, फिर फरमाया गया, फिर तीन दफा माँ का जिक्र हुआ, चौथी मरतबा बाप का जिक्र हुआ। कुरान मजीद में आता है वअलैहिन्ना मिस्लुल्लज़ी, फरमाया कि ये दोनों ही बराबर हैं हकूक के लिहाज से, बिलमारूफ है, अच्छे तरीके से दोनों हकूक के लिहाज से दोनों मर्द और औरत बराबर हैं। वलिर्रिजाल दर्जा, मगर औरतों को एक दर्जा जो ऊपर है वो इसलिए है बिमा अनफकू, कि वो खर्च करता है औरतों के ऊपर। अब औरत अगर ये चाहती है, देखें ये मेरी बहनें जो मेरे साथ यहाँ बैठी हैं और ये जो हकूक की बात कर रही हैं, अब इनको कौन से हकूक नहीं मिल रहे, इतनी सुबह सुबह ये चैनल पर माशाल्लाह आकर बैठी हैं, मेरी बहनें आई हैं, तैयार होकर आई हैं, तैयारी करके आई हैं, खामदों के पास बच्चों को घर में छोड़कर आई हैं, इनको हकूक मिल रहे हैं तो आई हैं ना, कौन से इनके हकूक रोके हुए हैं, जिनके हकूक की ये बात करती हैं, देखें आपको उनका उनको मसाइल का पता ही नहीं है। देखें मेरी बात सुने, हमें इन 2000 आपने जिक्र किया, 2019 के अंदर 2011 में पहली मरतबा न्यूयॉर्क के अंदर ये एहतजाज हुआ, ये चीज वहां से यहाँ लाई गई है। आप एक इस्लामी मुल्क में रहती हैं, आप एक इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आपकी जिंदगी गुजर रही है, ये मुल्क इसलिए बनाया गया था 70 साल पहले, इसलिए नहीं कि वहां पर विरासत नहीं मिल रही थी, इसलिए नहीं कि वहां पर कौन से हकूक जो हमारे गसब हो रहे थे। कुरान में आता है अल्लाह ताला, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, आपने कल जो तुहीन रिसालत वहां पर हुई है, अगर कोई चैनल वाला जिसको अल्लाह का खौफ अगर उसको दिखाए, मैं इस वक्त वो दिखा सकता हूँ, कल के इनके स्लोगन पर लिखा हुआ हजरत आयशा के बारे में ये लिख कर दे रही है कि मैं 9 साल की थी, वो 50 साल के थे यानी रसूल अल्लाह और आज तक मस्जिद में उनका नाम पूछता है। किसी ने अपना वाकया बयान कर दिया तो आप उसको क्यों इतना आयशा सिद्दीका नहीं है, क्या ये तुहीने फातिमा नहीं है कि जो फौत होती होने से पहले कहती है कि मेरा जनाजा भी रात के अंधेरे में उठाया जाए, किसी गैर मर्द की निगाह ना पड़े, तो गैर मर्द की निगाह ना पड़े, वो तो कपड़ों में भी नहीं पछते, आपको प्रॉपर्टी में जो मिले, आपको जॉब मिले, आपको तालीम मिले, आपको तरबियत मिले, आप जॉब जाकर करें। मेरी 3-4 बहने बेटियां और भतीजियां शादी के बाद पीएचडी करके बड़ी बड़ी पाकिस्तान यूनिवर्सिटियों में डॉक्टर हैं, प्रोफेसर लगी हुई हैं, कौन रोकता है, हम खुद एजुकेटेड हैं, मैं खुद यूरोप में रहा हूं, आप क्या समझती हैं जो दाड़ी वाला होता है उसे दुनिया का नहीं पता होता, उसे अंग्रेजी नहीं आती, भाई देखें हकूक की बात नहीं है, सबसे ज्यादा चौकड़ी मचाई है, कोई हयादार मुआशरे, कोई इस्लामी मुआशरा, कोई अखलाक इस बात की इजाजत देता है कि जिस तरह रक्स हुए, डांस हुए, जिस तरह हया बाख्ता हरकतें हुई, कोई बहन बेटी हया नहीं, कहा नहीं है, कहा नहीं है, मैं कहता हूँ मेरी बहन कहा नहीं है, आपने किस चीज को लेना है, मैं आपको दिखा देता हूँ, लड़के मैं आपको दिखाता हूँ लाहौर में क्या हुआ, इस्लामाबाद में क्या हुआ, कराची में क्या हुआ, वो ठीक है, अगर आप शोर मचाने से कहेंगे और मैं और जिसको मैं अपने बाप से 3 मरतबा ज्यादा दर्जा देता हूँ, मैं एक औरत का शोहर हूँ, मैं जिसको उसको इज्जत देता हूँ, इत्राम देता हूँ, आप क्या समझती हैं हमारी औरतें अगर पर्दा करके निकलती हैं उनको कोई शऊर नहीं है, वो नहीं पढ़ी लिखी होती, नहीं, देखिए मेरी बात सुने, इस मुल्क में या आप मुसलमान हैं या अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हो वल्लज़ी खलक़कुम फमिनकुम काफिर वमिनकुम मोमिन, अल्लाह ने 2 नजरियात पर इंसानों को पैदा किया, या काफिर है या मोमिन है, अगर हम मुसलमान हैं तो हमें देखना चाहिए इस्लाम ने हमें राइट कौन से नहीं दिए। अगर आप ये अंदाज कर रही हैं कि बेहयाई, फहाशी, उरियानी, दमा चौकड़ी, फिले बदमस्त वाला था, ये ना इस्लाम देगा ना अखलाक देगा। इवन अगली सुने, आपको पता है लंदन के अंदर हाइड पार्क अलग कर क्यों बनाया गया कि जिसने बेहयाई करनी वहां चला जाए, वहां ओपन अब नहीं है। मैं लंदन में कई मरतबा गया हूं, मैंने देखा है सिवाय बीचेस के और कहीं आपको कोई हरकत नजर नहीं आती, पब्लिक प्लेसेस पर आपको इस तरह की हरकतें नजर नहीं आती जो आपने लाहौर माल रोड पर की है, आपने प्रेस क्लब पर की है, आपने कराची और इस्लामाबाद के अंदर की है। मैं अपनी बहनों के लिए खैर खाई रखता हूँ, मगर इस चीज की हम नहीं चाहते। असल में आप गाली इस्लाम को देती हैं, असल एक असल गाली इस्लाम को देती हैं, इस्लाम का नाम नहीं लिया जाता कि लोग जो है वो कहीं मतलब है कि फ्लेयर अपनाओ, वो उस लिहाज से फिर इस्लाम की बात की। आपके सामने कुछ दिन पहले बल्कि महीने पहले वीडियो वायरल हुई थी कि वालदा पे तशद्दुद किया गया, अभी भी चंद दिन पहले एक गुजरांवाला की वीडियो वायरल हुई थी कि वालदा जख्मी हालत में घर में पाई गई, बेटे ने माँ के लिए कभी इस तरह की
मेरे एक सवाल की, एक सवाल हमारे इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान में कब्रों में क्या खवातीन की लाशें भी मैं पूछ रही हूं? आपकी तरफ से ही सवाल पूछूंगी मैं हमारे मौजूद मेहमानों से कि आपने बड़ी सूरत बात की और वैलिड है, आई एग्री विद दैट कि हमारा जो आईन है उसमें खवातीन के सारे जो हुकूक हैं वो मौजूद हैं, दर्ज हैं। अब अगर उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही दैट इज रॉन्ग, और उसको इम्प्लीमेंटेशन उस पर करवाना जरूरी है। ऐसे ही है सर, आप क्या समझते हैं, आप दोनों में हजरात से सवाल पूछना चाहूंगी कि अगर जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, जो ये औरत मार्च का तरीका आपकी नजर में गलत है, बेहयाई को फरोग दिया जा रहा है, तो फिर किस तरीके से क्या तरीका अपनाया जा सकता है अपने हुकूक लेने के लिए, जो मुहज्जब भी हो, जो हमारे माशरे की अकासी भी करता हो, हमारे रिलीजन के भी अकॉर्डिंगली हो। देखे, औरत का सबसे बड़ा हक क्या है? यहाँ जहेज की लानत की वजह से लाखों बच्चियां घरों में बैठी हैं, लाखों बच्चियां घरों में बैठी हैं, जो नहीं होना चाहिए। इस पर पाबंदी सख्ती से होनी चाहिए। अगर पेंडेमिक के अंदर एक एसएचओ पूरी दुकानें बंद करवा सकता है तो वो एसएचओ अपने हलके के अंदर जहेज की लानत पर पाबंदी नहीं लगा सकता और घने खानों के ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकता, ताकि वो गरीब बच्चियां जो घरों में बैठी हाथ पीले करने के लिए, उनको वो क्यों ना अपने घरों में जाए। देखें, औरतें आज घरों से निकल निकल कर भाग रही है, इस्लाम उनको कह रहे निकल रही है। मैं एक एडवोकेट हूं, मैं जानता हूं कि सोसाइटी के अंदर और अदालतों में क्या हो रहा है और कितनी फीसद वो शादियां कामयाब हो रही हैं, किस तरह वो जलील होकर बिचारी बच्चियां, ना उनके बाप रहता है ना आगे ससुराल रहते हैं। देखिए, जो इनके राइट्स हैं, विरासत इनके नाम लगती है विरासत, अगर कोई मर्द नहीं दे रहा तो गलत है, उसके लिए सख्त कानून होना चाहिए। औरतों के लिए अलग तालीम की जो है तालीम की दरसगाहें होनी चाहिए, जॉब्स होनी चाहिए। असेंबली में अब औरतों की निस्बत पहले से कितनी ज्यादा बढ़ी, वो अपने हकूक मांगे क्यों नहीं मांगती, और मिलने चाहिए सर। एक निगाह सिर्फ हकूक इनके पास ज्यादा है, बसों में इनकी मुख्तस सीटें हैं, यूनिवर्सिटियों में हैं, कॉलेजेस में हैं, मेरे लिए तो मेल सीट पड़ी है। मैं तो बस में जाऊं तो मैं तो खड़ा होता हूँ, लिखा होता है कि ये खातून की सीट, मैं वहां पे नहीं बैठता, खातून नहीं बैठी, तो यूनिवर्सिटी में जाऊंगा खातून की लदा सीट है, असेंबली में खातून की लदा सीट है, और क्या चाहिए हम लोगों को? हमें ना दो बसों में सीटें, तो छोड़ देना, हमारी लाइफ का फैसला लेने का डिसीजन जो है ना वो उसका हक है। असल में आजादी हमें नहीं चाहिए, आप कह रही है ना, यही ये कहती है कि हमें आजादी चाहिए इस्लाम से, क्योंकि इस्लाम वली मांगता है, आजादी इस्लाम से आजादी चाहिए, बहुत बड़ी बात है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं कुछ अर्ज करूंगी। पहली बात तो ये है कि जितनी भी हम चीखों पुकार कर लें, हम खवातीन अपने राइट से हटने वाली नहीं है बिल्कुल भी। जो हक हमें इस्लाम ने दे दिया है आज से 1400 साल पहले, हम उस पे कायम दायम और मजीद हो जाएंगे। तो यही मांगे कि इस्लाम के मुताबिक हमें राइट्स दिए। जी भाई, मैं इसकी किसी तरफ आ रही हूँ। दूसरी बात ये है, हर चीज पे ये ले आना, देखें हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा सोसाइटी में क्या चीज है जो लोग सफर कर रहे हैं, हम बगैर किसी लॉजिक वैलिड पॉइंट्स के हम पॉइंट आउट करते हैं, मुल्जम ठहराते हैं और खुद ही उसकी सजा भी कर देते हैं। ऐसा कैसे मुमकिन है कि हम ये कहें कि हमें इस्लाम से आजादी चाहिए और हम ये कहें, आप मुझे बताएं आपने किस बेस पे इतनी बड़ी बात की कि हमें इस्लाम से आजादी चाहिए। दूसरी बात, आपने अभी भाई ने कहा कि आप यहाँ पे दोनों खवातीन सुबह सुबह बैठी हैं बच्चे छोड़ के और आप किस हकूक की बात करती हैं, तो मैं पहले तो ये अर्ज करती चलूं कि ये जो यहाँ पे मैं बैठ के अगर बातचीत करी हूँ तो बिल्कुल मैं मानती हूँ इसके पीछे मेरा वालिद है, मेरे मियाँ हैं, मेरा भाई है, मर्दों के बगैर नामुमकिन है। कभी हमने ये डिबेट की नहीं, जिस तरह आप लोग पर्सनल होके कहती हैं कि खवातीन गलत हैं, हमने कभी नहीं कहा। ये सब मर्द हजरात ही हैं जिनकी वजह से हम यहाँ पे आज बोल रहे हैं, लेकिन हम चंद तो मुझे ये बताएं, कभी आपने ऐसी डिबेट देखी, कभी आपने कोई ऐसा मसला देखा? और सेम क्वेश्चन मेरा जहानारा साहिबा से भी होगा कि आपके एक स्लोगन जिसने यू नो मार्च का रुख बदल दिया और उसकी रूह तब्दील कर दी, आई वांट टू नो कि मैं भी उसके ऊपर बात कर सकूं और जानूं कि भाई अपना खाना खुद गर्म करो। आपकी अम्मा घर में क्या अब्बा को कभी खाना देने में क्या कोई डिबेट होती है या कोई ईगो वॉर शुरू हो जाती है? आप अपने शोहर को खाना देती हैं या आप उनसे बहस है कि भाई अपना खाना खुद गर्म करो? ये आई वांट टू नो। अच्छा, मैं एग्जैक्टली आप ये बताएं उसके बाद फिर मैं एक्सप्लेन करती हूं। प्लीज जी। अच्छा, इसमें ये है कि लोगों को नजर आता है, यू आर ऑल्सो वर्किंग वुमेन, कि हम मतलब जितनी आजादी हमें है ना इस्लाम से भी, मर्दों से भी, किसी औरत को नहीं होगी। वी आर डूइंग लॉट ऑफ वर्क
और कभी भी ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं, हमें ये जो आजादी है इसकी कीमत भी चुकाना पड़ती है। हमें घर में आप कैन यू इमेजिन मैं सुबह हांडी बना के आई हूँ कि मैंने मर्द को खाना गरम गरम खाना गरम करना, ये फिर तो वही बात आ गई ना कि लड़कों की तरबियत अच्छी नहीं है। हमें ये भी बेटों को कहना पड़ेगा कि अपना खाना खुद गरम कर लो, नाश्ता खुद बना लो, इसमें कोई बुराई नहीं है। बहुत सारे मर्द हजरात हैं जो कि खुद फखर से कहते हैं कि हम अपनी बीवियों को सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन लेकिन औरत से अच्छा मैनेजर कोई नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल कि आप ये कहें कि अच्छा, मैं एक गोरा वीडियो देख रही थी और उससे पहले मैं कुछ थोड़ी सी चीजें मेरे जहन में था कि भी गोरे की तो बड़ी हम क्योंकि गोरा फॉलो करते हैं, मैं बार बार बात करती हूँ, हम गोरा कल्चर से बड़ा इंस्पायर है। देखिए अच्छी चीज आपको किसी अगर हिंदू के भी मिलती है ना तो आप उसको कर लें अडॉप्ट, अगर वो एक अच्छा इंसान है, अगर उसमें इंसानियत है और आपको किसी भी वो मजहब से मिलती है तो यू शुड हैव इट इन योरसेल्फ। तो गोरा कल्चर से हम इंप्रेस है, हम उनकी चीजें फॉलो करना चाहते हैं, हम उनकी तरह फिट होना चाहते हैं, अंग्रेज बनना चाहते हैं, तो उनकी भी अगर आप वीडियोज अगर आप उनकी मूवीज देखें या उनके आप उनकी सीरीज देखें तो वहां पर भी जब आपको एक नॉर्मल घर का लाइफस्टाइल नजर आएगा, तो मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा कि औरत ही चाहे वो वर्किंग हो, मैंने लेकिन ब्रेकफास्ट वो दे रही है अपने बच्चों को और अपने शौहर को, लेकिन हमने यहाँ पे इसको इस तरह के स्लोगन्स में इतना कंट्रोवर्शियल कर दिया। लेकिन ये होना चाहिए गोरा, ये बेसिकली ये कॉलोनियल जो आपको बात करी है ना, ये जो गोरा कॉम्प्लेक्स है ये बेसिकली कॉलोनियल पीरियड से चलता आ रहा है, जो हमारी कॉलोनियलिज्म हुई है। अब मैंने आपको अगेन बताया कि हम ये नहीं कह सकते कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में हमारे जैसे ममालिक में ही सिर्फ औरतों के हकूक हैं जिनको मुनफता किया जाता है, ये बाहर के ममालिक में भी होते हैं, या आप यूके में भी देख लें, यूएसए में भी देख लें, वेस्टर्न कंट्रीज में भी ये सेम है। आपको आ जाके वही बात बताई जाती है कि जो वहां पे थोड़े कम होंगे यहाँ पे थोड़े ज्यादा होंगे, मसला ये आ जाता है क्योंकि यहाँ पे आके इकोनॉमी आप पे की डिपेंड करती है, आपके सोशल वैल्यूज पे, आपके कस्टम वैल्यूज पे, तमाम चीजों पे आपकी इकोनॉमी बहुत इंपैक्ट करती है। वहां की इकोनॉमी थोड़ी बेहतर है, वहां को पता होता है कि जब 6 महीने के प्रेगनेंट औरत है उसको 3 महीने की छुट्टियां दे दी जाती है, विद सैलरी दे दी जाती है एडवांस की, वो अपना रेस्ट कर सके, और उसके साथ कोई भी ऐसी कह लें डिस्क्रिमिनेशन सैलरी में मर्दों के हवाले से नहीं रखी जाती। आप भी को भी अंदाजा होगा, आप भी एक वर्किंग वुमन एक अरसे से आई है, आपको जो स्ट्रगल करना पड़ी और आप अपनी सैलरी में और किसी उस तरह के डोमिनेंट मर्द की सैलरी में फर्क देखें आपको पता चलेगा कि जी किस तरह किया जाता है। अब ये सर ने जब बात की कि जी इन्होंने हमें आजादी हम लोग शोहरों का या हमारे मर्दों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि आज हम तैयार होकर यहाँ पे सज धज के बैठे, तो मैं कहती हूँ इनको भी अपनी बीवियों का शुक्रगुजार होना चाहिए जिन्होंने शर्ट टाई कोट इस्त्री करके साथ तो है, बल्कि उन्हें इसके बारे में मुसलसल तारीफ करती है। एंटी इस्लाम स्लोगन है हमारे सर ने खुद ही, ये खुद से इन्होंने क्या हमारा टीवी ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि स्लोगन दिखा दिए जाएंगे, ये खुद से इन्होंने दिखाते हैं। और अगर आपके पास कुछ स्लोगन्स हैं, आई वुड लाइक कि अगर आप लोग भी ब्रेक से वापस आने के बाद ब्रेक पे जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आते हैं तो जरा उसके ऊपर भी डिस्कशन होगी और मैं पूछूंगी कि क्यों भाई इसकी रूह खराब की गई ऐसे स्लोगन्स की वजह से, जो कि असल एजेंडा अगर है भी नहीं तो यार उस सोच की बात करो ना जो तब्दील करनी है। स्लोगन निकाले एक आयत या हदीस वाला, हम इधर से अपने स्लोगन निकालते हैं, चलिए जी ब्रेक एक स्लोगन निकाल दें, ब्रेक के बाद इसी पर बात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और गुफ्तगु चल रही है। औरत मार्च पे इतनी खामोशी जितनी आपको भी दिखाई दे रही है, ये एक्चुअली ब्रेक में इतनी खामोशी नहीं थी, अभी एक सवाल करने की देर है, एंड यू विल सी के जो है वो कितने सब लोग का एक सवाल भी है, मेरा भी एक सवाल है प्लीज। जी जी मेरी मौलाना साहब से एक सवाल है कि मुझे एक तो ये बता दें कि औरत की आईनी हैसियत क्या है हमारे मुल्क में, और इसके अलावा कि अगर औरत बाप बेटे भाई पे ही डिपेंडेंट है तो फिर उसकी जाती हैसियत क्या रह जाती है। देखिए जी मैं अर्ज करता हूँ, देखिए सबसे पहले मैं एक छोटा सा कंपैरिजन करके फिर आपकी बात की तरफ आता हूँ। इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा मजहब ईसाइत है और उसके बाद इस्लाम है, और यहूदियत जो है वो छोटा मजहब है मगर वो माली तौर पर बड़े स्ट्रांग लोग हैं। ईसाइत के अंदर आज भी नन मदर बनने के लिए तर्के निकाह शर्त है, यानी निकाह वो कहते हैं ना करो तब नन मदर वो बन सकती है, रहबानियत जिसे कहते हैं। यहूदियत के अंदर हदीस शरीफ में आता है कि यहूदियत में जब औरत अपने खास पीरियड में होती थी तो ना उसके हाथ से खाना को पकवाता था, ना उसके साथ बैठता था, बात करता था, उसे अलग थलग बंद कर दिया जाता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, इस्लाम आया, जिंदा दरगोर होने से, जिंदा दरगोर होने से आपने मना किया, रोका लोगों को,
और आपने फरमाया कि जो एक बच्ची की अच्छी कफालत करेगा और उसकी तरबियत करके शादी करेगा वो क्यामत वाले दिन मेरे दिन ऐसे होगा कहा तईन, आपने उंगली को इशारा किया जैसे मेरी दो उंगलियां इकट्ठी जुड़ी हुई हैं। रह गई मेरी बहन ने ये सवाल किया कि आईन के अंदर, देखिए आईन के अंदर आपको विरासत का राइट मिला हुआ है, बिल्कुल आपका हक है, वो इस्लाम ने दिया है, इस्लाम अच्छा उसके बाद इस्लाम आपको इल्म का राइट देता है, इस्लाम आपको जॉब करने का हक देता है, आपको इंफॉर्मेशन लेने का हक देता है, आपको बिजनेस करने का हक देता है। ये आज की बात है, आपको पता है हजरत खदीजा अरब की सबसे बड़ी ताजर औरत थी, ठीक है, और सबसे ज्यादा माली तामन इस्लाम को फैलाने में हजरत जो है खदीजा का लगा। उसके बाद औरत अगर बीवी हो तो इस्लाम उसको यह दर्जा देता है कि हजरत उस्मान जंगे बदर पर जा रहे हैं, नबी सल्लम फरमाया कि आप बदर में ना जाएं, अपनी बीवी की तमारदारी करें, आपको जिहाद का सवाब मिल जाएगा। अगर वो बेटी है तो जन्नत में तरबियत करने से नबी सल्लम फरमाया वो मेरे साथ होगा। माँ है तो तीन दर्जे जो है वो बाप से भी ज्यादा इज्जत रखती है। अब कौन से राइट्स हैं जो यहाँ आपको रोक दिया गया है? हमारी अदलिया क्या देती है? अब मैं आपको थोड़ा सा, क्या अदलिया में औरतें जस्टिस नहीं बैठी? क्या वकील औरतें नहीं है? क्या टीचर औरतें नहीं है? क्या असेंबली में औरतें नहीं बैठी? आपको पता है कि पिछले 6 साल में सिर्फ केसेस में औरतों की कितनी गवाहियां शामिल है? पिछले 6 साल में सिर्फ 117 औरतों की गवाही शामिल की गई है। उसकी वजह सुन ले, 117 उसकी वजह सुन ले। हम आपको ये भी इज्जत दी गई है, आपको ये भी इज्जत दी गई, आपको समझ नहीं आ रही? जब आप रोशनी डाल रहे हैं क्योंकि बहुत मिसकंसेप्शन है, आप मिसकंसेप्शन में ये कर ले, मैंने क्लियर कर लिया है, मैं बात शो में क्लियर नहीं, उन्होंने बताया प्रोफेशनल खातून का, उन्होंने बताया। मैं आपको बताता हूँ, आपकी अगर गवाही कम हो रही है, कम ली जा रही है, आपको पता है आप सिंफ नाजुक हैं, आपकी सोसाइटी इज्जत करती है, मेरी बात सुने, आप अपनी मर्जी से इंसान बनी है, आप अपनी मर्जी से औरत बनी है, आप अपनी मर्जी से डॉक्टर बनी है, ये सारा प्लान अल्लाह का है कि अल्लाह ने किसको क्या बनाना है, ये अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ने आपको क्रिएशन बनाया है। आप कहती मैं मर्द के बराबर नहीं होती, आपके काल में मेरे मुताबिक यू लड़की इंसान नहीं होती, अगर ठीक है कि आप लड़कियां तो आप कहती हैं आप इंसान नहीं हो, मैं मर्द बनाऊं तो अल्लाह की मर्जी से बनूं, आप औरत बनी तो अल्लाह की मर्जी से बनी है। अच्छा ये जो मसला है, अच्छा ये जो मसला है कि मर्द जो है खवातीन के जो हकूक है उनके हक तल्फी करते हैं, ऐसा है? ऐसा ही है ना, मर्द करते हैं कि औरतें भी करती हैं? मर्द है वो खवातीन को एजेंडा नहीं है, ये कोई एंटी मैन मार्च नहीं था, ये दिस इज ऑल अबाउट इक्वालिटी फीमेल, ठीक है। अब मुझे नहीं बताया एक दिन हमें इतना चुभ गया, सिर्फ एक दिन इतना इक्वालिटी आप किस चीज में लाना चाहते हैं? बराबर है क्यों जी? क्यों चुप गया? अल्लाह के बनाए गए कानून के मुताबिक अल्लाह ने क्या बकरी दी औरत को, वहां आगे बढ़ता है क्या मर्द को बकरी दी, वहां मर्द बढ़ता है? अल्लाह का कानून है। मैंने आज पढ़ी है, हम मजहब के ठेकेदार क्यों बने हैं? ये कह रहे हैं हम मजहब के ठेकेदार वाले, नो हम मजहब के बगैर नहीं चलते, हम मजहब के बगैर नहीं चलते, बराबर हम मजहब के साथ चलते हैं, बराबर अल्लाह ने बराबर हम अपने जवाब नंबर एक पहली बात ये कुरान है, ये कुरान है, अगर इनको नहीं पता तो सुन ले मेरी बहन ना, शोर मचाने से इनको हकूक नहीं मिलेंगे, बात को समझना समझाने से मिलेंगे, कहीं इनके बराबर हकूक हैं, कहीं इनकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखते हुए मर्द को कहा गया कि इनके ऊपर खर्च करें। जापान का मैं आपको सही वाक्य सुनाता हूं, हमारे मीडिया ने इसको जो है वो बयान किया था, जापान में एक जापानी लड़की जो है वो कंपनी में काम करती थी, वहां एक मुसलमान लड़के से उसकी शादी होगी। अब शादी के बाद उसने उसे बताया कि अगर आप घर में रहें तो मैं आपको खिला पिला सकता हूं, ठीक है, उसने कहा जी ठीक है। अब वो खिलाने पिलाने लगा, उसकी इज्जत होने लगी, सारा कुछ, उसकी सहेलियां आई कुछ दिन के बाद कि आप जॉब पर क्यों नहीं आ रहे? उसने कहा मैं मुसलमान होगी और मेरा शौहर सारे अखराजात उठाता है जो मैं मेहनत करके जो है वो कमाती थी, तो मुझे क्या जरूरत है आप वहां जाने की? उन्होंने कहा ऐसे शौहर हमें भी तलाश करके दो। यूरोप में सबसे ज्यादा रेशो इस्लाम कबूल करने वाली औरतों की। यहां पर ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जो कुछ औरत मार्च के जो प्ले कार्ड्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे और उसके ऊपर गुफ्तगू भी होगी। स्टे विद अस। Pakistan, Neo Pakistan, Neo Pakistan.